प्रेज लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और अगर हमें आप जानते हैं, हम काफ़ी सालों से ट्यूटोरियल्स वीडियो सब बना रहे हैं। अगर यदि आप चाहते हैं इन सारे वीडियोस को पाना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हम जितने भी ट्यूटोरियल्स हमारे हैं सारे हम वहाँ पे डालते हैं। आप स्क्रीन में भी हमारे QR कोड देख सकते हैं, आप उसको स्कैन करके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट वो आपके लिए आसान हो जाए कि जो भी आप ट्यूटोरियल्स आप ढूंढ रहे हैं आप उस ऐप के माध्यम से पा सकें। तो आइए हम एक दूसरे गीत को लेकर आप सभी के सामने आज हम आए हैं। इस गीत का नाम है सेनाओं का यहोवा। तो आइए हम इस गीत की ओर जाएंगे और जितने भी कॉर्ड्स मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उन सारे कॉर्ड्स को मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो कॉर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है सी और ए माइनर, उसके साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं एफ मेजर, उसके बाद जी मेजर, और उसमें साथ ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं डी माइनर। तो ये सारे कॉर्ड हैं, ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से आप सभी के कॉर्ड्स बताऊँ, ताकि आप अपने कलिशिया में इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकें। ओके, तो हम लोग इसमें जब जाते हैं इसका रिदम हम लोग देखते हैं 6/8 में है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ये रिदम कई बार हमने आपको सिखाया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप दूसरे वीडियोज़ में जा सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, हम लोग गाने की ओर जाएं। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले सेनाओं के यहोवा को मुझे अपने आँखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपने आँखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। ओके, तो मैंने इसमें जो कॉर्ड्स यूज किया, सबसे सी ऊंचे सिंह, इसमें हम लोग जल्दी से चेंज करेंगे 1 2 3 1 2 3। सबसे ऊंचे सिंहासन, इसमें हम लोग जल्दी से, जब भी सिंहासन बोलते हैं एफ में आ जाएंगे दोबारा। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेम उसी तरीके से उसमें सिंहासन में हमने चेंज किया था, इसमें रहने वाले में हम लोग चेंज कर रहे हैं। इसका काउंट अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 उसके आधे में हम लोग दूसरे कॉर्ड को यूज कर रहे हैं। दोबारा, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। तो इसमें हम लोग सेनाओं के, इसमें हम लोग जी में आ जाएंगे, सेनाओं के उसके बाद डी माइनर, यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना। दोबारा मुसी में आ जाएंगे, दोबारा सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। तो ये कॉर्ड हम लोग इस जगह में हम लोग यूज करते हैं, और भी अलग तरीके हैं लेकिन सबसे सरल और सबसे आसान यही है कि हम लोग इसमें सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। उसके बाद हम कोरस में आते हैं, वो है सेनाओं का यहोवा पवित्र। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा वॉक करते हैं। वॉक मतलब होता है जब हम लोग एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में हम लोग जाते हैं तो कई सारे नोट का हम लोग सहारा लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैंने इसमें सी और उसके साथ बी, उसके बाद ए का मैंने प्रयोग किया और मैं वहां से ए में आया। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इस तरीके से। तो हम लोग जब इसको बजाते हैं, हम लोग इस तरह से बजाएंगे यहाँ पे, ओ सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। दोबारा ये मैं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। मैं दोबारा दिखाऊंगा, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है। इसमें हम लोग बेसिक लाइन जब देखते हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉर्ड्स आ रहे हैं, जैसे ए जी और एफ। तू पवित्र पवित्र है, दोबारा जी, तू पवित्र पवित्र, अभी एफ, दोबारा, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। इसमें जो हम लोग मैं कॉर्ड बजा रहा हूँ वो है ए माइनर, जी, एफ और जी। सेम रिपीट करेंगे लेकिन इस बार हम जी नहीं बजाएंगे लास्ट में, ए माइनर, जी और एफ, इसी में हम खत्म करेंगे। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है यीशु, तू पवित्र पवित्र है। तो मैं आशा करता हूं आपने इस वीडियो से, इस लेसन से कुछ नया सीखा होगा और अपने कलीसिया में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।